So today's news basically for the students who are 12th passed out and they're currently in 12th, they are preparing for their boards exam and they are preparing for CUET exams also, which is also known as Common University Entrance Test. Okay. So hello everyone, this is Nishi from Toppers Academy and welcome to our YouTube channel once again. So today I'm here to share a very important news. As always, it's always important. So today's news basically for the students who are 12th passed out and they're currently in 12th, they are preparing for their boards exam and they are preparing for CUET exams also, which is also known as Common University Entrance Test. Okay, so it is for taking the admission in the graduation on graduate courses like BCom, BSc, BTech, everything. This is specially for UG. So, ये details, ये आज की information जो मैं share करने वाली हूँ आपके साथ, ये उन बच्चों के लिए जो CUET के लिए prepare कर रहे हैं खुद को. And आपको ये पता है मई में आपका exam है. So, इसके registration forms out हो गए हैं. So, it has been released by the NTA कि कब कब आपके forms release हुए हैं, last date क्या है, क्या फीस रहेगी, किस मोड के थ्रू आप इसको पे कर सकते हो, वट एवर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई एम शेयरिंग विद यू राइट नाउ इन दिस वीडियो. ओके, एंड एट द एंड ऑफ द विंडो आई विल अटैच द पीडीएफ आल्सो, सो यू कैन डाउनलोड इट एनी टाइम एंड यू कैन सी दैट. ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो जो आपका एग्जाम है ये होगा CUET UG 2024, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. Fine, for 2024 will be conducted in 3 mediums across India for admission into the undergraduate programs in hybrid, that is pen and paper or CBT mode for all the central universities and participating universities in India. आपको भी पता है CUET exam के जरिए हम central universities, आपकी state universities में हम undergraduate courses में admission ले सकते हैं without appearing in the CUET exam. You cannot take admission in any bachelor course of in any university, whether it's central university or the state university or any university. Fine. So let's start कि कब कब application form आपके start हुए हैं. सो ऑनलाइन सबमिशन की एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो है आपकी 27th of February से निकल चुके हैं आपके, रिलीज हो गए हैं फॉर्म्स. लास्ट डेट जो आप भर सकते हो इनको वो है आपकी 26th of March. फाइन, एंड लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी, अगर आपने फॉर्म भर दिया है, मान लीजिए अगर आपने आज फॉर्म भर दिया बट आपने अभी तक फीस पे नहीं की है, तो फीस पे की करने की लास्ट डेट है 26th of March. 11:50 पर रात तक को आप इसको पे कर सकते हो फीस. इसमें अगर कोई गलती हुई है फॉर्म भरते वक्त आपकी या कुछ भी मिस्टेक हुआ तो वो आपकी डेट है करेक्शन पर्टिकुलर्स, वो करेक्शन विंडो आपकी होगी 28th March to 29th March. सिर्फ एक दिन के लिए आपकी ये विंडो ओपन होगी जिसमें आप अपने फॉर्म्स पे जो भी आपने गलतियां की होंगी उनको आप ठीक कर सकते हो. फाइन, सेकेंड है आपका अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन. आपने फॉर्म भर दिया, आपका सारा करेक्शन भी हो गया, अब आता है आपका एग्जामिनेशन की सिटी, किस सिटी में आपका सेंटर पढ़ना है, तो वो आपको आएगा 30th of April के लगभग, उसके आसपास भी आ सकता है. ठीक है, फिर है आपका डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द NTA वेबसाइट. आपने फॉर्म भर दिया, आपने फीस पे कर दी, आपकी सिटी अलॉटमेंट की डेट भी आ गई है, अब आता है आपका एडमिट कार्ड. एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे, सेकेंड वीक ऑफ मे, मे के सेकेंड वीक में आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे. एंड यू नो दैट डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी क्या है, 15th of May to 31st of May. 15th of May से लेके 31st of May तक आपके सारे सब्जेक्ट्स की एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे. फिर आपका आता है डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज. जब जब आपके आंसर कीज और रिस्पॉन्स जो भी हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर कब अपलोड होंगे वो अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आगे वीडियो में हम आपको वो भी बता देंगे क्योंकि अभी ये इन्फॉर्मेशन खुद NTA ने नहीं अपलोड की है. वेबसाइट जहाँ से आप कुछ भी जो भी ये अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए, से रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिलेबस से रिलेटेड कोई एग्जाम इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो जो NTA.ac.in की वेबसाइट है और बाकी हम अपनी वीडियो में मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें इस वेबसाइट के थ्रू देख सकते हो. ठीक है, रिजल्ट कब आएगा आपका, एग्जाम हो गए 31st May को, विद इन 1 month यू विल गेट योर रिजल्ट्स ऑन 30th of June. 30th of June तक आपको आपके सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे. फाइन, फिर अब आप हम बात करते हैं फीस क्या है आपके सबमिशंस की, आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है CUET UG कोर्सेज के लिए एग्जाम के लिए, इसकी फीस क्या है. सो जनरल कैटेगरी के लिए फीस जो है, एक तो आपको पता है कॉम्बिनेशन जो 3 सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन आप लोगे उसकी जो फीस फिक्स रहती है, आप अगर उसमें कोई और सब्जेक्ट एड ऑन करते हो तो उसकी फीस आपकी वो चेंज हो जाती है. फाइन,
सो अगर आप तीन सब्जेक्ट्स लेते हो, पहला कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हो, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आपकी फीस रहेगी 1000, उसमें अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करते हो तो यू हैव टू पे 400 एक्स्ट्रा फॉर ईच सब्जेक्ट। अगर तीन सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं, आपने एक और सब्जेक्ट लेना है तो 400 और लेने पड़ेंगे, दो सब्जेक्ट्स लेने तो यू हैव टू पे 800 लाइक दिस। सो अगर ओबीसी एनसीएल या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो उसके फॉर्म्स की फीस है आपकी 900 एंड एडिशनल सब्जेक्ट्स की फीस आपकी हो जाएगी 375 फॉर पर सब्जेक्ट। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और हमारे जो थर्ड जेंडर रहेंगे उनकी जो थ्री सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन की फीस रहेगी वो रहेगी 800 एंड इफ यू वांट टू अगेन यू वांट टू गो फॉर अनदर वन सब्जेक्ट और टू सब्जेक्ट यू हैव टू पे 350 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर दैट। आउटसाइडर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, इंडिया के बाहर रिसाइड कर रहे हैं, कुछ NRIs हैं बट उन्हें CUT एग्जाम देना है, सेंटर्स भी आपने पढ़वाने हैं वहाँ पे अपने, तो आपकी फीस रहेगी 4500, ये थोड़ी महंगी है। एंड एडिशनल सब्जेक्ट जो आपके रहेंगे 1800 आपका एक सब्जेक्ट का उसमें कॉस्ट ऑन ऐड हो जाएगा। ये थी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, कब का फॉर्म रिलीज हो रहे हैं, कब लास्ट डेट है, तो अभी फिलहाल बहुत लास्ट डेट है, अभी तो आपको परसों तो निकले ही है ये फॉर्म, तो लास्ट डेट आपकी जो मैंने बताई आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो है आपकी 26th of March। कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपका पूरा नहीं है, कुछ मार्कशीट्स नहीं है, कुछ आपके कार्ड्स नहीं है, तो आप जाके वो चीज़ें आप पहले अरेंज कीजिए, फिर आप ये फॉर्म फिल करें एंड जस्ट डू द फिल द फॉर्म वेरी केयरफुली। कुछ गलती होती है तो वो ठीक नहीं होती, आगे जाके आपको ही उसका सामना करना पड़ेगा गलती का। सो अच्छे से फॉर्म फिल कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।